हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरन भाई। आज हम बात कर रहे हैं पतंजलि अमृत रसायन के बारे में। ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है और ये एक डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। पतंजलि अमृत रसायन एक हर्बल मिश्रण है जो दिमाग को पोषण देने के लिए एक लाभकारी यौगिक के रूप में काम करता है। आंवला, केसर, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, शतावरी और वंशलोचन के मिश्रण के साथ ये मानसिक गतिविधि को बढ़ावा देता है, शांति की भावना को बढ़ावा देता है और शरीर को ताकत, पोषण और समग्र कल्याण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ये बालों की चमक बढ़ाता है और आंखों को ठंडा रखता है, जिससे ये गर्मी के मौसम के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। ये टॉनिक छात्रों के लिए अत्यधिक अनुशंसित है क्योंकि ये उनकी समग्र जीवन शक्ति और संज्ञानात्मक कार्य में सहायता करता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो पतंजलि का अमृत रसायन मस्तिष्क को व्यापक पोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म स्फूर्तिदायक तरल पदार्थ ओजस और शरीर के आंतरिक रस को बढ़ावा देता है। ये अमृत रसायन एक सामान्य स्वास्थ्य टॉनिक के रूप में कार्य करता है जो बेहतर दृष्टि और दृष्टि को बढ़ावा देता है। इसके पुनर्वनकारी गुण इसे शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए अत्यधिक फायदेमंद बनाता है। गर्मियों के दौरान शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस उत्पाद का सेवन किया जा सकता है। इसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं वे है शुगर, आमला पिष्टी, केसर, बादाम, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, शतावरी, वंशलोचन, लघु इला, दालचीनी, शुद्ध कौंच बीज, बड़ी पिपली और प्रिजर्वेटिव इसमें इस्तेमाल हुआ है। आपको बता दें जिनको मधुमेह का रोग है वो इसका सेवन ना करें। इसको कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं तो 6 साल से ऊपर के बच्चों को ये पतंजलि अमृत रसायन दिया जा सकता है। इसकी 1 चम्मच से अधिक नहीं देना चाहिए। वयस्कों को 1 से 2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने दूध के साथ या चिकित्सक के निर्देश अनुसार दिया जाना चाहिए। इसकी शेल्फ लाइफ 3 साल की होती है और ये पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का प्रोडक्ट है। पतंजलि अमृत रसायन एक हर्बल मिश्रण है जो दिमाग को पोषण देने के लिए लाभकारी यौगिक के रूप में काम करता है। तो दोस्तों, आज हमने पतंजलि अमृत रसायन के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।